फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने दो तरह के चाट बनाया है जो बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है। एक हमने स्वीट कॉर्न चाट बनाया, एक हमने स्प्राउट चाट बनाया। ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न चाट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने मक्का लिया है। इसको हमने अच्छे से दाना निकाल के बॉयल कर लिया है 3 सीटी में। बहुत ही अच्छा से बॉयल हो गया है, पक गया है। और मैं एक नींबू ली हूँ, हरी मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता है, सभी को हमने बारीक कटिंग किया है। और हम चाट मसाला ले लिए, थोड़ा ब्लैक साल्ट है और ये टेबल साल्ट है। तो आइए हम बनाते हैं। मक्का के दाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप जरूर बना के खाइएगा। मिर्ची हम ले लेते हैं, आधा लेते हैं, आधा हम स्प्राउट चाट के लिए रख रहे हैं। थोड़ा सा टमाटर भी हम रख लेंगे, आधा हमने बचा के रख लिया है। अब हम प्याज ले लेते हैं, इसको भी हम आधा ले लेंगे। धनिया पत्ता 1 चम्मच ले लेंगे। नींबू का जूस निकाल लेते हैं, आधा नींबू हम यूज करेंगे इसमें। अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो आप ज्यादा ले लीजिए। चाट मसाला हम ले लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा ही हम ले रहे हैं, लगभग आधा चम्मच के बराबर। ब्लैक साल्ट भी हम ले लेते हैं। अब हम टेबल साल्ट भी ले लेते हैं। इतना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आपको मन हो आप बना के खा सकते हैं। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। स्वीट कॉर्न चाट हमारा रेडी हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न चाट रेडी हो गया है, अब हम स्प्राउट चाट बना लेते हैं। स्प्राउट चाट बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी स्प्राउट लिया है, जो मैंने भिंगो के 6 से 7 घंटा छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से अंकुरित हो गया है। बाकी सारा सामान वही है। स्प्राउट ले लेंगे, हरी मिर्ची ले लेंगे, अगर तीखा खाते तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं। प्याज ले लेंगे, टमाटर भी हम पूरा ले लेते हैं, धनिया पत्ता पूरा ले लेंगे। अब हम टेबल साल्ट ले लेंगे, ब्लैक साल्ट भी हम ले लेते हैं। स्वाद अनुसार ले लीजिए, अगर ज्यादा बनाते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छा चटपटा स्वाद आएगा। चाट मसाला भी हम ले लेंगे 1/2 चम्मच के बराबर। अब हम लेमन का जूस निकाल लेते हैं, आधा लेमन है। सबको हम मिक्स कर लेंगे। हमने सभी को मिक्स कर लिया, देखिए बनके तैयार हो गया है, बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए दोनों चाट बनके रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, इस सब में आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और हेल्दी तो है ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको पता चले कि मैंने वीडियो डाला है। और आप इस तरह से बना के खाइए और आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।